हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में मैं देवारा मूवी का डे 9 के बाद कितना कलेक्शन हुआ है इसके बारे में बात करूंगा। लेकिन उसके पहले एक दो चीज जान लीजिए कि देवारा मूवी का प्री रिलीज बिजनेस की कैस कितना है इंडिया में, यानी इंडिया में इस मूवी को डिस्ट्रीब्यूटर को कितने पैसों में बेचा गया है। टोटल इंडिया में जितने लैंग्वेज है उसको मिलाकर इस मूवी का टोटल है 157 करोड़। यस, 157 करोड़ में ये डिस्ट्रीब्यूटर को इंडिया में बेचा गया है। अगर डिस्ट्रीब्यूटर को 157 करोड़ उठाना है, मतलब उनके पास आना है, तो डिस्ट्रीब्यूटर को इंडिया से 348 करोड़ नेट कलेक्शन करना है, उसके बाद ही उनके पास 157 करोड़ आएगा। यानी जितना नेट कलेक्शन होता है उसका 45% डिस्ट्रीब्यूटर के पास आता है। तो अब तक यानी 9 डे के बाद इस मूवी ने कितना कलेक्शन किया है, 9 डे के बाद इस मूवी का टोटल कलेक्शन हुआ है 230 करोड़ 85 लाख। यानी अभी भी 118 करोड़ की जरूरत है तब जाके डिस्ट्रीब्यूटर के ने जितना इन्वेस्ट किया है इस मूवी में वो रिटर्न आएगा। तो कल इस मूवी ने कितना कलेक्शन किया, कल देखिए सैटरडे था, तो इस मूवी ने कलेक्शन किया 9.25 करोड़ नेट इंडिया से। इसमें से तेलुगु से आया है 5.8 करोड़, हिंदी से आया है 3 करोड़, कन्नड़ से आया है 12 लाख, तमिल से आया है 30 लाख, और मलयालम से आया है वो भी आपका 3 लाख। तो टोटल हो चुका है 230 करोड़ 85 लाख इंडिया से नेट। इसमें तेलुगु से आया 173 करोड़ 60 लाख, हिंदी से 49 करोड़, कन्नड़ से 1.73 करोड़, और तमिल से हुआ है 5.25 करोड़ और मलयालम से 1.27 करोड़। ये 230 करोड़ 85 लाख को आप अगर ग्रॉस करते तो होता है आपका 273 करोड़ 25 लाख आफ्टर 9 डेज इंडिया से ग्रॉस, और ओवरसीज से आया 72 करोड़ 25 लाख। इस बार मैं बता दूं कि ओवरसीज से इसका कलेक्शन बहुत ही खराब है। काफी दिन पहले इसने आपका 60 करोड़ कर लिया था, लेकिन 60 करोड़ से 72 करोड़ आने में अराउंड 5 to 6 days लग गया। यानी ओवरसीज से बहुत ही खराब कलेक्शन हो रहा है, और अब तक टोटल आफ्टर 9 डेज वर्ल्ड वाइड कलेक्शन हो चुका है, ग्रॉस कलेक्शन 345 करोड़ 50 लाख। ये है 9 डेज के आफ्टर। तो आज ये मूवी कितना कलेक्शन करेगी देखिए, कल ये मूवी 9.25 करोड़ कलेक्शन किया था, तो आज ये मूवी कितना कलेक्शन करेगी। मेरा प्रेडिक्शन है 11 करोड़ के आसपास ये मूवी कलेक्शन करती है, कर सकती है, क्योंकि आज तो संडे, जनरली इंक्रीज होगा। लेकिन इस मूवी को अभी भी, क्योंकि इस मूवी का थोड़ा कलेक्शन हुआ है 230 करोड़, तो 118 करोड़ चाहिए डिस्ट्रीब्यूटर को हिट होने के लिए, या डिस्ट्रीब्यूटर के पास इसका ब्रेकिंग पॉइंट रीच करने के लिए। लेकिन मेरा गारंटी है कि ये मूवी कुछ टेरिटरी में हो सकता है हिट हो जाए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा टेरिटरी में फ्लॉप हो जाएगी। ये मूवी हिंदी में शायद हिट हो जाए, क्योंकि इस मूवी का ऑलरेडी 48 करोड़ कलेक्शन आ चुका है, जबकि इसको 20 करोड़ में बेचा गया था। लेकिन बाकी जो टेरिटरी है, तमिल, तेलुगु या मलयालम, कन्नड़ा में ये मूवी फ्लॉप हो जाने का 90% चांस है। तो देखते हैं मेरा प्रेडिक्शन कितना सही होता है या गलत। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आप लोगों का अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और नए नए आप देखिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।